नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं पिछले कुछ समय से काफ़ी वीडियोस पोस्ट करता हूं। जब भी गवर्नमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी गवर्नमेंट है, वो कुछ स्टेप्स लेती है या कुछ भी जो कंट्रोवर्सी हो रही होती है। लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगा आम इंसान के बारे में, जिसमें ऑब्वियसली मोदी और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं, और जो हिंदुस्तान की जो वर्तमान सिचुएशन है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। और ये इसलिए क्योंकि आज मैं टेलीविज़न देख रहा था, तो आज तक चैनल मैंने लगाया तो उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की बारे में एक वीडियो चल रहा था, जो कि एक रिकंस्ट्रक्शन था सर्जिकल स्ट्राइक का, कि किस प्रकार मोदी साहब बैठे हुए हैं, जो कोई आदमी उनका रोल कर रहा था, और किस तरीके से मिलिट्री ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, और किस तरीके से मोदी साहब ने उस सर्जिकल स्ट्राइक की न्यूज़ आने के बाद ही पानी पिया। सर्जिकल स्ट्राइक्स तो काफ़ी पहले हुई थी जैसा कि मीडिया में था, लेकिन जब मैंने आज वो वीडियो देखी तो मुझे लगा ये कहीं ना कहीं ग्लोरीफिकेशन किया जा रहा है मोदी साहब का। मिलिट्री और जो इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट तरीके से काम करती है, पॉलिटिक्स के अगेंस्ट होता है। पॉलिटिक्स और इंटेलिजेंस कभी मिक्स नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से टीवी न्यूज़ चैनल्स इसको ग्लोरीफाई कर रहा है, तो मेरे दिल में काफ़ी सवाल आए कि क्या इंडिया की जो आम जनता है वो इतनी बेवकूफ़ और इतनी घटिया है कि वो इस तरीके के ग्लोरीफिकेशन देखकर अपना माइंड सेट कर लेगी। ये लोग आपको क्या सर्व कर रहे हैं? मुझे एक कहावत याद आई, कहा गया है कि अगर आप जोकर को चुनेंगे तो आपको सर्कस ही देखने को मिलेगी। तो जो मोदी है वो एक जोकर है और आपको सर्कस दिख रही है, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो इवेंट हो। आप देखिए कि पिछले 3 साढ़े 3 साल में इस गवर्नमेंट ने क्या किया, अपोजिशन में रहते हुए जो किया, और गवर्नमेंट में आने के बाद क्या किया। हर वो चीज़ जिसके खिलाफ मोदी साहब सुबह उठते ही मनमोहन सिंह सरकार को कोसते थे, हर वो चीज़ जिसके खिलाफ बीजेपी पार्टी धरना देती थी, गवर्नमेंट में आने के बाद उसको सुधारने की बजाय, या फिर जो वो चाहती थी एज एन अपोजिशन, वो नहीं कर पा रही। एग्जाम्पल्स बहुत हैं फिर भी, और मैं कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर यू टर्न इनका बताना चाहूँगा। चाहे आप कश्मीर में धारा 370 लगा लीजिए, चाहे मनरेगा जो है यूपी का फेलियर के तौर पे लगा लीजिए, चाहे आधार कार्ड जो है उसके बारे में देख लीजिए, चाहे आप ब्लैक मनी पे देख लीजिए, इन्होंने यू टर्न लिए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो लोगों का जो अंधविश्वास है और जो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं वो मोदी के नाम पर, और मोदी साहब एक गली के छोरे की तरह लंबे लंबे भाषण देते हैं, बातें मारते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे चौराहे पे गोली मार दें, और रोने लग जाते हैं जब कुछ नहीं चलता, तो अपनी माँ या माँ को एज ए मॉडल पेश कर देते हैं। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि मोदी जो है वो एक नेता है, कोई वो भगवान नहीं है, कोई भगवान राम का रूप नहीं है। जिस तरीके से उसे पेश किया जा रहा है, हर वो चीज़ जिसमें कुछ भी अगर क्रेडिट की बात आती है तो वो मोदी है, और जहाँ पर वो फेल होते हैं वो मोदी गवर्नमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट का फेलियर है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है। मोदी को जिस तरीके से पेश कर रहे हैं, अभी 56 इंच का सीना और विष्णु का अवतार और नास्त्रदमस की भविष्यवाणी के बाद, इतना ग्लोरीफिकेशन एक अगर आप कुत्ते का भी करें तो वो कुत्ता भी आपको क्रूर देवता या कुत्रा देवता, कुछ भी आप उसको संस्कृत में नाम दे दीजिए, वो लगेगा। प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है वो इन पार्टी से ऊपर उठकर होनी चाहिए, लेकिन 3 साढ़े 3 साल में मोदी साहब अभी तक बीजेपी के या फिर शाखा के प्रचारक के रूप से आगे बढ़ ही नहीं पाए। मीडिया में आता है मोदी ने इतनी विदेश यात्राएं की, विदेश नीति मोदी की जबरदस्त है, और तो और दुनिया भर में मोदी की धूमधाम है। मैं कनाडा में हूँ, मैं टोरंटो में हूँ, मैंने जितनों को जानता हूँ उसमें 80% जो लोग हैं वो मोदी को गालियाँ देते हैं। और मीडिया तो छोड़िए, क्योंकि अगर आप देखा जाए आज तक इंडिया टुडे ग्रुप हो, ए बी पी न्यूज़ चैनल हो, रिपब्लिक टीवी हो, टाइम्स ना हो, इन सब में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इन्वेस्टर्स हैं वो बीजेपी से रिलेटेड हैं। ये उनके पालतू कुत्ते हैं बीजेपी के। अब देखिए, मुंबई में स्टैम्पेड हुआ, 22 लोग मर गए,
कोई अच्छी खबर नहीं है, और गवर्नमेंट किसी भी हो, स्टैम्पेड हुआ है और लोग मरे हैं, वो दुखदाई है। उसका इलाज है कि आप उस पर जो भी कार्रवाई करनी है कीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती लानी है वो लाइए। लेकिन अब देखिए, टाइम्स नाउ और रिपब्लिक, उसमें शरद पवार की भूमिका ढूंढ रहे हैं, अपोजिशन पृथ्वीराज चौहान को ड्रैग कर रहे हैं वो लोग कि क्या वो सफ़र करते हैं। अरे सरकार बीजेपी की है मुंबई में, गवर्नमेंट जवाबदेह नहीं है, अपोजिशन जवाबदेह ही है। हर वो चीज़ जिसमें ये ढूंढते हैं, वो 60 साल कांग्रेस के ढूंढते हैं। अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो जनता आपको क्यों चुनती? और अगर आप 3-4 साल बाद भी उन्हीं को कोसते रहेंगे, उन्हीं को ब्लेम करते रहेंगे, तो आपने 3 साल में क्या किया? मोदी साहब के पास हर चीज़ का जवाब है कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ। IITs 60 साल में नहीं बने, IIMs नहीं बने, ये सुषमा स्वराज ने UN में बोला था। डॉक्टर्स, MBBS, एम्स, इन सब के बारे में, वो जो 60 साल में कांग्रेस ने किया, कितने ही स्कैम्स किए हों, लेकिन जो भी किया है उसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो सुषमा स्वराज की जो एक UN की स्पीच को वो ही सुन लीजिए। 60 साल में कांग्रेस ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन इतना कर दिया कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। अब उन्होंने चाय बेची नहीं बेची, दुनिया को बेचा, देश को बेचा, वो बाद की बात है। और RSS जो है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो ये चड्डीधारी हैं, ये लोगों को देशभक्ति के पाठ पढ़ा रहे हैं। 60 साल इनसे तिरंगा नहीं फहराया गया। अभी ये रोहिंगा में जो हुआ है, मुसलमानों का निकाला गया है रोहिंगा मुसलमान, तो उसमें भी इनको देश की सुरक्षा में खतरा लग रहा है, और हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। वो काम इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, वो काम रॉ का है और डिफेंस मिनिस्ट्री का है। वो किस तरीके से आगे चलना चाहें नहीं चलना चाहें, वो सब उन पे डिपेंड है। लेकिन RSS जो है, वो उसके मोहन भागवत नेशनल चैनल पे ये भाषण दे रहे हैं, भाई किस हैसियत से? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड की हैसियत से, क्योंकि मेरी नज़र में RSS जो है वो हिंदू तालिबान है। औरतों को ये नहीं पहनना, औरतें जीन्स ना पहने, औरतें जो पैर की जूती हैं, रेप है वो हिंदू कल्चर है, और ये सब, ये जो सब है ये शाखा वाले सुनाते हैं। ये बहुत ही आई वुड से करेक्टरलेस और बहुत ही छोटी सोच वाले इंसान हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी में इन्होंने क्या किया सिवाय, ये ब्रिटिश के इन्फॉर्मर्स थे, उनके पे रोल पे थे, और हिंदुस्तान में जितने भी मूवमेंट्स होते थे उसको दबाते थे, और अब हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। नाथूराम गोडसे हिंदुस्तान का पहला टेररिस्ट था, आप चाहे माने या ना माने। खैर ये सब पुरानी बातें हैं, हिस्ट्री में कुछ रखा नहीं है, आज की बात करते हैं। संबित पात्रा, जिनको अब ONGC में डायरेक्टर बना दिया गया है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? एक फेल्ड सर्जन है जिसपे क्रिमिनल नेगलिजेंस केस चल रहा है, ही इज़ ए फेल्ड सर्जन। और संबित पात्रा जो है वो ONGC में डायरेक्टर हैं। 3 साल तक बीजेपी के लिए ये गौमूत्र और गोबर में कोहिनूर ढूंढ रहे थे, अब गौमूत्र से पेट्रोल बनाएंगे ONGC में। ये जो सरकार है ये पूरी तरीके से आम जनता को मारने पे तुली हुई है। यशवंत सिन्हा जी का आर्टिकल बहुत सही है, ज़रूर पढ़िए, कि किस तरीके से इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। डीमोनेटाइजेशन इज़ ए बिगेस्ट फेलियर, GST इसके भी दूरगामी परिणाम आप सबके सामने आएंगे। लेकिन शर्म तब आती है कि जो हिंदुस्तान की जो वेल एजुकेटेड जनता है, अनपढ़ों को तो छोड़ दीजिए, जो गांव देहात में जो नहीं पढ़ पाए उनको नहीं मैं काउंट कर रहा, जो वेल एजुकेटेड जनता है उनको भी मोदी के अंदर अभी भी विष्णु ही दिख रहा है। वो एक प्रचारक है, पूरी जिंदगी उसने सिर्फ भाषण दिया है। 2005 में अहमदाबाद मेट्रो का उद्घाटन किया था, डिक्लेरेशन किया था, आज 2017 12 साल में मेट्रो का एक पुल नहीं बना अहमदाबाद में। ये गुजरात मॉडल ला रहे हैं देश में, गुजरात मॉडल सिर्फ और सिर्फ एक है, जो आपके खिलाफ बोले उसे आप जान से मार दो, उसको गलत केसों में फंसा दो, और अगर वो गलती से बीजेपी ज्वाइन कर ले, चाहे वो रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, टेररिस्ट हो, उसे अच्छी पोस्ट दे दो।
हिस्ट्री देखिए, बीजेपी में सारे रेपिस्ट इकट्ठे किए हुए हैं। अमित शाह तड़ी पार है, स्नूप गेट में मोदी साहब खुद थे। इनको लगता है कि जिस तरीके से श्री राम ने अपनी बीवी सीता छोड़ी थी और रामराज लाए थे, मैं यशोदा बेन छोड़कर राम बन गया। राम को राम बनने से पहले रावण मारना जरूरी है, और रावण तो खुद ही हैं, इनकी पार्टी में ही बहुत रावण मिल जाएंगे आपको। आप इनकी जो है साजिश देखिए, आप इंडियन गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी में टॉप मोस्ट पोजीशंस अगर देखें तो सारे ब्राह्मण बने हैं, कोई भी छोटी जाति का इंसान नहीं है। ये ब्राह्मणवाद को बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे ये आपके सर पे नाचेंगे। रोहिंगा की बात कर रहा था, वहाँ खालसा एड लंगर लगा रहा है, जो कि सिख लोग हैं और खालसा एड के नाम से लंगर करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ह्यूमन जो हैं मानते हैं सबको, एज सिखिज्म कहता है कि मानस की जात सब एक ही पहचान वो, ना रिलीजन है ना उसमें दुश्मन है ना दोस्त है, जहाँ जिसको ज़रूरत है वहाँ हेल्प करूँ। तो उनको टेररिस्ट कह रहे हैं। अब इनको बताने वाला हो कि मुंबई में जब बाढ़ आई, असम में जो बाढ़ आई, नेपाल में आई, वहाँ पर भी खालसा एड ने इनकी हेल्प की। सिख धर्म जो है, और ये खालसा एड की खास तौर पे बात करूँगा, इसमें धर्म को जोड़ा नहीं जा सकता। लंगर में चाहे हिंदू खाए, चाहे मुसलमान खाए, जैन बुद्ध ईसाई, प्रधानमंत्री हो या गरीब हो, अछूत हो, कोई भी हो, लंगर सबके लिए ओपन है। पंगत विच संगत, संगत जिनके साथ आप बैठे हो, संग तो पंगत में संगत है, और संगत अगर लंगर खा रही है तो उसमें भी अगर आप धर्म जोड़कर उसको टेररिज्म के साथ जोड़ रहे हैं तो शेम ऑन यू। उसमें सोनम महाजन और भी बहुत बीजेपी से रिलेटेड लोग हैं, तो शेम ऑन देम। ये लोग धर्म के नाम पर लड़ा सकते हैं, लेकिन इनको ना हिस्ट्री पता है और ना ही ये चाहते हैं कि लोगों को पता लगे। दे आर मैनिपुलेटिंग थिंग्स। और जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है, हिंदू एक सभ्यता है और इससे वेरी इंक्लूसिव, सबको साथ लेकर चलने वाली है। अब जो ये फेक हिंदुइज्म और हिंदुत्व के लोग, जो टेररिस्ट और ये गुंडे लोग जाग रहे हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि कांग्रेस 60 साल में कहाँ थी, या मैं कुछ कह दूँ तो 84 में तुम कहाँ थे, और 2002 में कहाँ थे, सन 47 में तुम कहाँ थे, ये पास्ट में जीते हैं। तो इनसे कहे कि इतनी महान थे तो इंडिया पे कभी, हिंदुस्तान भारत इस पे कभी मुगल राज नहीं करते अगर इतने ही ये स्ट्रांग थे। सिख धर्म की तो जरूरत ही नहीं होती अगर हिंदुओं के में गुर्दा होता। ये वो लोग हैं जो विधवाओं को काशी में छोड़कर उसको ब्रothel और प्रोस्टिट्यूशन में यूज करते हैं, मथुरा में प्रोस्टिट्यूशन में लगाते हैं जो भी विधवाएं हैं। जब सती प्रथा थी तो साथ में जला देते थे, आदमी मर जाए तो बीवी जला दो, बीवी मर जाए तो आदमी 10 शादियां कर ले। ये वो लोग हैं जो बहुत कट्टर हैं, लेकिन इन्हें धर्म का धा भी नहीं पता, बहुत ही नीच लोग हैं। इतने ही महान थे तो अपनी हिस्ट्री पढ़कर देखो, चाहे राजपूताना की पढ़ो, चाहे मराठा की पढ़ो, सिवाय औरत के इनकी लड़ाई नहीं हुई। ब्रिटिशर्स से क्या लड़ना था, देशभक्ति के पाठ पढ़ाने वाले ये लोग। अब बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो हारी हुई लड़ाई है उसमें भी अपने ही नेताओं को, अपने ही लीडर्स को जिता रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, पता नहीं राजस्थान में या महाराष्ट्र में, कि पानीपत की लड़ाई में मुगल हारे थे, गजनबी हारा था। पूरी दुनिया की हिस्ट्री अलग है, इनकी हिस्ट्री अलग है। ये तो कह देंगे कि एक्चुअली में महाभारत भी द्रौपदी चीरहरण के कारण नहीं हुई थी, वो एक्चुअली में मोदी जी का कुछ उसमें कारण था, मोदी जी का हाथ था। इन लोगों का दिमाग जो है ना, वो उस डब्बे की तरह है और जिसमें सिर्फ गोबर भरा जा सकता है, और गोबर भरा हुआ है। मैं एज एन इंडिविजुअल बड़ा दुखी होता हूँ। जब मैं इंडिया में था आज से 10 साल पहले, तो मुझे लगता था इंडिया बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री है, बहुत प्रोग्रेसिव है, लोगों की सोच बड़ी ओपन है और देवर रेडी टू लर्न थिंग्स। पर जब से 2014 आया है, मुझे बड़ी शर्म आने लग गई है कि यार ये किस तरीके के लोग हैं। आप बीफ खाने पे लोगों को मार रहे हो, आप कोई दलित अगर मूछे बढ़ा ले उसको मार रहे हो, कोई घोड़ी पे चढ़ जाए तब आप उसको मार रहे हो,
ये आप कायर हैं। अगर इतने लायक होते तो हिंदुस्तान कहीं का कहीं होता। और तो और गवर्नमेंट पढ़ा रही है कि राम के टाइम में ये था, भाई होगा, महान होगा इंडिया। राम के टाइम में एक ब्रह्मास्त्र का एक तीर से आप हजारों की सेना मार देते थे, इतने लायक थे। तो वो फोर्स हो या राफेल डील हो, ये क्यों विदेशों से मांग रहे हो? आप खुद बनाओ। अब आपकी वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई? किसने रोका है? यूर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हिंदुस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, बनाए। मोदी साहब भाषण देते हैं कि इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी जी गणेश के टाइम पे है जी, गणेश की गर्दन काटने के बाद पार्वती जी के कहने पे उनकी हाथी की शक्ल लगा दी गई। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये कहानियाँ अच्छी हैं, लेकिन क्या उसका कोई प्रूफ है? अगर उस समय आप हाथी का मुंह लगाकर इंसान पे बचा सकते थे, तो मुझे तो इतना छोटा हाथी आज तक जिंदगी में दिखा नहीं है जिसका मुंह एक इंसान पे लग जाए। और चलो मान लिया लग भी गया, तो अभी तक तो आपके यार हॉस्पिटल्स नहीं बन पा रहे, आपको सब बीमारियों का इलाज नहीं हो रहे वहाँ। या तो वो कहानियाँ झूठी हैं, या आज की सच्चाई ये है कि हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। आप कहानियाँ बताते हो जी पुष्पक विमान और ये, करोड़ों साल पहले पुष्पक हवाई जहाज़ थे। चलो मैं राइट ब्रदर्स तो अभी 100-150 साल पहले हुए हैं। अभी एक और कहानी है कि राइट ब्रदर्स से 10 साल पहले हिंदुस्तान में खोज कर ली गई थी जी जहाज़ की। कहाँ है वो जहाज़? आज भी सन 2017 में इंडिया में एक भी एरोप्लेन नहीं बनता, टेक्नोलॉजी नहीं है। आप कह रहे हो जी पुष्पक विमान उड़ रहे थे। सर जी कहानियों में तो हम मार्स पे भी जा चुके हैं, मार्स में खेती भी कर चुके हैं, चंद्रमा तो हमारा मामा है। सर जी कैसे हिंदू और हिंदुओं की कहानियों में मैं बिलीव करूं? साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। और यहाँ पर हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं है ये, मैं गवर्नमेंट के लिए बोल रहा हूँ जो गोबर में कोहिनूर ढूंढ रहे हैं, गौमूत्र में बीमारियों के कैंसर के इलाज ढूंढ रहे हैं, और गाय में ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए है। बड़ी शर्म आती है। मैं तो अपने दोस्तों मित्रों को यही कहूँगा कि प्लीज़ क्वेश्चन पूछना सीखिए। इंडिया महान तभी बनेगा जब आप सवाल जवाब करना लेंगे। अभी मोदी नाम के एक आदमी के भक्त बन जाओगे तो मोदी आपको बेचकर खा जाएगा। आप अपना दिमाग लगाएं। धन्यवाद।